बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी एक्टिविटी देख के, आपकी आपसे बातें करते हैं, आप जो होश करते हैं, ये अंदाज भी मैंने आपको पहली बार देखा। मैंने आपको बताया कि कैसा रहा होस्ट बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है जब से आई हूँ और अभी थक गई हूँ अम्मा, बट येस ऑल्सो आई एम इन्जॉइंग अ लॉट ऑनेस्टली गाइज, बिकॉज बिग बॉस लॉन्च होस्ट करना भी बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड स्पेशली सलमान सर से फिर से, यू नो, भले ही हमने टीवी पे हम मिले हैं, बट आई एम एक्साइटेड एंड मोर देन दैट द एक्टिविटीज और द टास्क, मतलब मैं सच, एक तो बिग बॉस की आवाज़, एक बिग बॉस के टास्क और एक सलमान सर, मैं सिर्फ इन तीनों चीज़ों के लिए मैं बिग बॉस के घर आती हूँ एंड आई जस्ट लव देम। एंड टास्क आज तो हमारे मीडिया भाई बहनों के साथ था एंड विच वॉज लाइक फैब अगेन, बिकॉज दे वो फैब, दे प्लेड लाइक कि ऐसा लग रहा था कि सच्ची में तो उनको ही ट्रॉफी मिलने वाला है, दे वो सो डेडिकेटेड एंड उन्होंने इतना अपना एफर्ट डाला है, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड या इट वॉज अमेजिंग। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जो टास्क वर्ड है ना, वो सुनते ही मेरे अंदर कुछ होने लगता है, मुझे नहीं समझ में आता कि आगे कौन है, पीछे कौन है, मैं क्या कर रही हूँ, किसके साथ कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, मुझे बस इतना दिखता है टास्क है, एक गोल है, उसे अचीव करना है, यू हैव टू अचीव इट, जैसे बोलते हैं ना कि वो एक बस चिड़िया का वो आग दिखता है आपको, बस तीर मारना होता है। सो मेरा भी वैसे ही हो जाता है लक्ष्य की एक टास्क है, इसको कंप्लीट करना है कैसे भी करके एंड येस आई पुट माई 100% एंड स्पेशली जब आपके आसपास भी जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो भी जब उतने ही एंथ के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ सारे एफर्ट्स डाल के जब खेलते हैं तो बात, मतलब उसको बोलते हैं सोने पर सुहागा हो जाता है। इट इज़ फैंटास्टिक थीम एंड आई रियली एनवी दैट, बिकॉज मुझे खुद को पर्सनली भी ऐसे एडवेंचरस लाइफ मुझे पसंद है, सो यू नो जंगल में रहना, सर्वाइव करना, वाओ, इट साउंड सो इंटरेस्टिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब कंटेस्टेंट्स आएंगे किस तरीके का, यू नो, टास्क होगा या किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे। It sounds damn interesting and this is why maybe हम लोग इसलिए जंगल में हैं, बट सलमान सर ने जैसे कहा जंगल में उन्हें मंगल भी देखना है, दंगल भी देखना है, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ दंगल देखना है, मुझे मंगल नहीं देखना है। वैसे तो सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी उमर, रियाज, बिकॉज वी हैव ऑल सीन आसिम, राइट? सो बट मैंने सुना है कि उमर उनसे थोड़ी अलग हैं, मैं कभी मिली नहीं हूँ पर्सनली, बट होता है हर किसी का एक स्पार्क होता है, सो मुझे वो पोटेंशियल दिख रहा है एंड आई एम श्योर कि उमर विल डू ग्रेट एंड आई रियली होप कि मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे उस पर वो खड़े उतरे। इसके बारे में जैसे कि आपको पता नहीं था बट आपको अच्छा लगा ना धमाका हुआ ना, तो वैसे ही मुझे धमाका देने में ज़्यादा मज़ा आता है, सो येस टाइम टू टाइम जैसे कुछ ना कुछ आता रहेगा आप सबको पता चलता रहेगा। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। सो इतना ही कहना चाहूँगी, जो यू नो सलमान सर कहते हैं 5-5-5 एंड बिग बॉस 15 के लिए हो जाइए तैयार, सो येस बस अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और फटाफट अपना डिनर विनर करके ख़त्म हो जाइए का 2 अक्टूबर से एंड प्लीज़ बिग बॉस 15 प्लीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है नहीं भी बोलूँगी, बोलूँगी मत देखो फिर भी देखोगे, सो देखो क्योंकि मैं भी देखने वाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू।